हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड क्विक अपडेट है, कुछ भी बकवास है, इंट्रो नहीं रखूँगा क्योंकि आज जल्दी से अपडेट देके मुझे जाना है। तो बेसिकली आप देखिए कि बिटकॉइन जो है वो ट्रेंड लाइन को जो फॉलो कर रहा था उसको आज की डेली कैंडल में उसने नीचे तोड़ दिया, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। एंड वाई इट इज़ नॉट अ गुड साइन, बिकॉज इस ट्रेंड लाइन को हमेशा क्लोजिंग ऊपर खींच ली है। ये कब से हुआ है, जब से ये ट्रेंड लाइन फॉलो हुई है। यहाँ पर आप देखो 22 जनवरी से लेकर ये ट्रेंड लाइन बनी थी और उस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। तो फाइनली वी कैन से दैट दिस ट्रेंड लाइन इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। और अगर ये कैंडल स्टिक आज क्लोज हो जाती है, जो कि अभी डेली का क्लोज नहीं हुआ, प्राइस उठाने की कोशिश ज़रूर करेगा छोटे टाइम फ्रेम्स में, तो एक बाउंस तो आपको बना होगा हमारी जगह से। इस जगह से देखो हल्का सा ऊपर से एक बाउंस बन गया, जो मैंने आपको अभी इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड की उसमें बनाया, जो कि पर्सनल चैनल में आएंगे बाय द वे, तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। तो कल मैंने क्या बोला, बताता हूँ। हम यहाँ कहीं पर थे, नाउ हुआ क्या, इस ग्रीन वाले जोन से हमारा हुआ रिजेक्शन। उस ग्रीन जोन से रिजेक्शन के बाद हम नीचे आए। मैंने आपको ये 40,000 का जोन बताया था। देखो 40,000 में दो कैंडल ग्रीन बनी थी, बाउंस अच्छा हुआ था प्राइस यहाँ से, और इस बाउंस में ही अपना ट्रेड करके निकल जाना था। ठीक, नेक्स्ट हमारा नीचे आए, अभी हम लोग नीचे ही आ रहे हैं। अब मेरा उम्मीद क्या है, ये जो रेड जोन है, डार्क रेड जोन, ये मेरा पहला जोन होगा ट्रेड का। यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दिखे कई सारे, ठीक, पर मैं कब लूँगा ट्रेड, आप ये बात सुन लो, कब लूँगा, जब मुझे यहाँ पर हैमर या किसी भी ऐसी तरीके की कैंडलस्टिक दिखती है जो मुझे रिवर्सल दिखाएगी। तो कैंडलस्टिक दिखने पर और प्राइस में एक्शन देखने को मिलेगा तब मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, ऐसे नहीं लूँगा। अभी 1.5 घंटा बचा है इस कैंडल को क्लोज होने में, अगर ये हैमर बनती है तो मैं ट्रेड ज़रूर लूँगा, थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ तक का टारगेट लगा के या फिर यहाँ तक का टारगेट लगा के एग्जिट कर दूँगा। तो ये जो चार्ट है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और चार्ट चाहिए तो इस वीडियो के लाइक्स कर देना यार, 50+ करना, 100+ कर देना, मैं तो कहता हूँ यार 100+ लाइक कर दो, मैं आपको ये चार्ट दे दूँगा टेलीग्राम पर, जल्दी से लाइक करना। सो अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ से कहाँ जा सकती है प्राइस। तो आप देखिए रेड जोन जो है ये हमारा क्रिटिकल सपोर्ट है। अब जहाँ पे ये क्रिटिकल सपोर्ट टूटा, अब देखिए मैं आपको ये चार्ट क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये चार्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये इनवैलिडेट हो गया। इनवैलिडेट का मतलब ये होता है कि जब आपकी ट्रेंड लाइन टूट जाए तो काम नहीं करती, ठीक। अब वो काम करेगी भी तो दोबारा रीटेस्ट करने आएंगे, तब हम इसको देखेंगे। अभी हम उसको नहीं देखते, हम इसको देखते हैं जो चार्ट सही में वर्क करता आया। अब आप देखो प्राइस जो है नीचे इस एरिया में रुकेगा 39,000 से लेके 38,300 के अराउंड। इस जगह पे बहुत ऑर्डर्स हैं तो बच के रहना, यहाँ पे जो भी कुछ करना है कर लेना, एग्जिट या बम बम जो भी मिले वहाँ पर एग्जिट मार सकते हो, ठीक। दूसरा आपको क्या करना है, नीचे आपको देखना है कि आपको नीचे ये लेवल तीन बता के जा रहा हूँ, 37,300 का, 36,400 का, ठीक, और 35,800 से लेके 33,500 के बीच में, तो ये एक लेवल है। तो पर्पल एरिया आपको पता है, जैसे जैसे जितने डार्क एरियाज होते हैं वो ज़्यादा हाई चांसेस वाले एरिया होते हैं। बाकी बीच में सपोर्ट के लिए ये लाइंस बनी हुई हैं, पर जो डार्क एरिया है इसका मैं इंतज़ार करूँगा अगर कुछ होता है तो नीचे आएँ। अब सिनेरियो लग रहा है बेरिश, क्यों लग रहा है, क्योंकि मार्केट में ऐसी कंडीशंस बनी हुई हैं अभी, जो आपके इन्फ्लेशन को लेकर जो हमारे फेड के चेयरमैन हैं उन्होंने कुछ बोल दिया, फिर से पंप डंप आ गया इन्फ्लेशन को लेकर। पर मेरा मानना ये है कि अगले महीने की न्यूज़ से पहले का ये डंप है, प्राइसिंग हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं बॉटम कन्फर्म ज़रूर करने वाले हैं जल्दी, ये मेरी एक उम्मीद है। और बॉटम कब कन्फर्म होगा, वो कन्फर्म जैसे ही होगा उसके बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। पर जो बॉटम होगा वो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए घबराने वाला हो सकता है, बहुत घबरा देगा और आप लोग डर जाओगे बहुत ज़्यादा। तो ये मंथली का चार्ट है, इसमें मैंने आज डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, मंथली क्लोजिंग कहाँ पे चाहिए हमें, 39,800 से ऊपर, ठीक, और जो बुलिश होने के लिए क्या चाहिए, 46,300 के ऊपर। तो उतना रास्ता क्या हम तय कर पाएंगे अप्रैल की अंत तक, आज 23 तारीख है, तो 23 से हमें 7-8 दिन के अंदर हमें चाहिए ये रैली। अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स को कवर करते हैं, जो हमारा लिंक है वो 14 से 11 के बीच में अभी आया नहीं है लेकिन आ गया, 13.68 चल रहा है, तो आप इन सबको एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो जो आपको हमारे सपोर्ट जोन में दिखने वाली हैं। अब देख लो मैटिक भी हमारे उसी जोन में है, $1.45 से लेके $1.33 तक, $1.33 तक। अगर मैं नीचे आऊँ तो माना आपको दिखा देते हैं, माना का चार्ट थोड़ा वाइट में कर दूँ लाइट तब दिखेगा। तो आप देखो माना की कुछ एंट्रीज़ बोली थी, वो एंट्रीज़ काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं यहाँ पर इस एरिया में, ग्रीन डार्क ग्रीन एरिया जो है ना, यही डार्क ग्रीन एरिया मैंने आपको बताया था एक्युमुलेशन का, $2 से लेके 1.88 के बीच का, तो ये एक तरीका है। और आप SCRT और रून को एक्युमुलेट करना मत भूलना, वो मेरे कॉइन्स होने के अलावा वो अच्छे कॉइन्स भी हैं, तो
तो ये नीचे बॉटम कहीं ना कहीं फॉर्म करेगा। मेरी उम्मीद ये है कि अगर सीवियर बॉटम आता है तो 4.22 या उससे नीचे का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर वहाँ पे उठाना शुरू करना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिटकॉइन का क्या लग रहा है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो बिटकॉइन में थोड़ा बहुत बेरिश चीज़ें लग रही हैं, और ये चीज़ें बेरिश जो हैं आज से नहीं गा रहा हूँ, एक हफ्ते पहले से गा रहा हूँ। और जब ये रैली आपको देखने को मिली है ना, ये किस तारीख से देखने को मिली है, ये आपको यहाँ से देखने को मिली है 18 तारीख से जब से आपको ये रैली देखने को मिली तब से मैं बेरिश था, और पहले भी मैं बेरिश था, बेरिश में तब भी था, बेरिश में अब भी हूँ। और इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कोई सेंटिमेंट नहीं दिख रहा, कोई रीज़न ऐसा नहीं सॉलिड नहीं दिख रहा, ना आपको ऑन चेन में दिख रहा है, ना आपको ऐसे कोई रीज़न दिख रहा है कि प्राइस बहुत अच्छी रैली कर जाए। ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे सेफ, अपने SL लगा के रखना। SL लगाया ही होगा यहाँ पर, आई उम्मीद करता हूँ मैं कि लगाया होगा, अगर नहीं लगाया तो आपने अपना लॉस खुद झेला होगा, मैंने यहाँ वॉर्न किया था। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।